एक और नया व्लॉग स्टार्ट। और हम लोग अभी जस्ट उमलिंगा से क्रॉस करके आए जस्ट, और बहुत ही भाई एंजॉय करके मज़ा करके आए। तो आज का हमारा प्लान है सोमवरी सो कार का। एक तो बच गए, देखो कब तक हम लोग पहुंच पाते हैं। इस होम स्टे में हमारा स्टे बहुत अच्छा था और हमको फूड वूड भाई बकायदा अच्छा फूड मिला, नाश्ता भी मिला यहाँ पे खाने को अच्छी बात। तो यहाँ से चलते हैं फिर आगे लोमा न्योमा होके, देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं सोमवरी। एक तो बच गया, दिन हो गया, मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप हो रही यहाँ पे। तो स्लिप मारेगा भाई, ऐसे कोई वो अटकने जगह थोड़ा ना, वहाँ जो रुक जाएगी। तो पहले कल कैसे मारेगा? रुको, पहले तुम रस्सी बांधो, उसके बाद बांधना इसको। ये पकड़ लो, इसको टाइट कर दो, तो फिर इधर से ले लेते हैं इसको। इसको इसी करना, रस्सी यहाँ से लेता। बस बस ठीक है। इसमें वो स्प्रिंग नहीं है जो खींचती है ना एकदम से। लो भाई इधर ला, अभी इधर इसमें तो दो स्प्रिंग निकालो, खींचो और खींचो खींचो खींचो। अरे तुम्हारा बैग लटक गया, रुको रुको बैग लटक गया भाई इसको लो उधर। खींचो खींचो और खींचो और खींचो। पर इसके अड़ेगा मेरे को लग रहा है सही। तो हालने से हम लोग निकल रहे हैं सोमवरी के लिए। तो सोमवरी का जो रूट है वो सेम वही है, लोमा, लोमा से न्योमा, न्योमा से फिर वो माही ब्रिज आएगा, माही ब्रिज से सोमवरी। तो माही ब्रिज तक तो रोड बहुत ही शानदार है, बाकी माही ब्रिज के बाद का रोड नहीं पता। तो देखते हैं क्या रहेगा। और करीब यहाँ से 50 किलोमीटर लोमा है, फिर 20 किलोमीटर बाद न्योमा, और उसके 20 किलोमीटर बाद आ जाएगा माही ब्रिज। तो देखते कितना होगा उसके, और आगे 155 किलोमीटर है वैसे, और सोमवरी कितना है आइडिया नहीं है कुछ अभी। तो भाई ये देखो ये क्या जा रहा है अरे भाई टैंकर, टैंकर जा रहा है भाई टैंकर। तो ये है भाई साहब मिलिट्री एरिया, और यहाँ से टैंकर। तो अभी टैंकर देखा, ये था माहे से 15-20 किलोमीटर पहले। और अगर आप माहे से लोमा जाते हो, नहीं माहे से न्योमा जाते हो, तो 5-7 किलोमीटर पहले। तो यहाँ पे जो है ना भाई, एक से एक चीज़ यहाँ पे, वो जो चीज़ डिफेंस के पास जो चीज़ होती है ना, वो सब चीज़ मिलेगी भाई यहाँ पे देखने को, सब चीज़। अभी रोड के ऊपर से टैंकर ले गए, बताओ यार क्या व्यू था उसका। और जब मैंने जस्ट अभी एक फ़ोटो खींचा है देखो बीजिंग का, तो वहाँ ही 15 किलोमीटर यहाँ से। तो मेरे राइट में ही आ रहा है जहाँ से हम लोग आए थे पैंगोंग से, नया रूट लेके। और ये लेफ्ट में जा रहा है अपना हानले, और राइट में सोमवरी। तो कुछ ऐसा है यहाँ का पैंगोंग से, मतलब मिराक होते हुए जो आ रहा है, और चुसुल, चुसुल से सीधा ऊपर चढ़ के सीधा माहे में जो रोड मिलता है वो है ये, और ये सीधा गया अपने सोमवरी। तो सोमवरी 50 और 90 शायद 70-80 किलोमीटर होगा शायद यहाँ से, बाकी कंफर्म अभी और कर लेंगे। जैसे ही सोमवरी का रास्ता स्टार्ट हुआ तो देख सकते हो यार क्या व्यू देखने को मिल रहा है, साथ साथ लेक बह रही है हमारे
देख लो यार क्या व्यू है भाई। और ये शायद 100 बजे तक रहेगी हमारे साथ, और आगे भी 100 कार है वहाँ भी वहीं रहेगी सेम, पर कलर जरूर चेंज हो जाएगा ये देखना आप। ले 160 चुमांगथांग 23 किलोमीटर। बाकी 3 बज चुके हैं और हम लोगों ने आज उमली का क्रॉस किया, और उसके बाद फिर हानले, फिर लोमा, फिर न्योमा, न्योमा के बाद अभी माहे, माहे के बाद ये सोमोरी वाला रूट, और ये आगे वाली गाड़ी बड़ी धुआं छोड़ रही है डीजल की है, पुराने होने के बाद इनकी यही हालत रहती है। बाकी तो यार क्या पुल है, और पुल के नीचे ऐसी लेक बह रही है भाई, नदी, क्या व्यू आ रहा है यार, रिवर। सॉरी, तो यहाँ चेक पोस्ट है, माय चेक पोस्ट कराई भाई एक बार, इधर ही होगा, मैं कल चेक कराया हूँ। एंट्री करानी है, तो ये भाई मना कर रहा है, कोई एंट्री नहीं है, तो हम लोग निकलते हैं यहाँ से ब्रिज के ऊपर से। जुले और यार पूरा का पूरा ऑफ रोड है भाई, देख पूरा कच्चा रोड है, थोड़ा सा टर्मेक रोड आया था बीच में, वापिस से ये आ गया पूरा ऑफ रोड। देख सकते हो कहीं भी सिर्फ ऐसा ही रोड है सारा, बाकी का इधर का भी। आई थिंक ये कोई गांव, छोटा गांव है, तो पता नहीं कौन सा गांव है, पूछना पड़ेगा यहाँ पे। कौन सा गांव है, सुमदो ब्रांच, सुमदो कोई गांव है। सुमदो गांव में यार पानी नहीं पिया सुबह से भाई, पानी तो पिला दो यार। हाँ भाई, वो भाई मेरे को बोला ही यू वो बहन से पता नहीं कहाँ से आ गई, एकदम से पीछे आ गया। बोली तो देख रहे थे ना, ये देख रहे तो आ जाए पी गए यूं। तो इस टाइम हम हैं सुमदो गांव में, और सुमदो माही ब्रिज से सुमदो से ये सीधा रूट गए अपना लेह के लिए, पांग होते हुए या मनाली चल जाओ, और ये गया सोमवरी। तो हम लोग सोमवरी जा रहे हैं यहाँ से, और पूरा ऑफ रोड है भाई, थोड़ी देर यहाँ बैठे थे और चाय भाई पी, तो यहाँ से निकलते हैं बस। अरे दिखता नहीं ना। अच्छा था। अब हम तक निकल 30-40 किलोमीटर तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, करो पार्टी करो आप। हाँ, मेरे पास चलो, थोड़ा रेस करेगा। चलो
ये तो बोल रहे कि यहीं पे, बाकी देखते हैं कितना किलोमीटर है। ये तो कह रहे हैं 7-8 किलोमीटर है, और हम लोग कितना किलोमीटर है अभी तक, 12 किलोमीटर ही आए हैं। क्या पता पी पा के, पर ये सारे सारे सेम बात बोल रहे हैं। तो 100 मील का व्यू लेक का ये है सामने, और भाई 5 किलोमीटर है, वो कह रहे 5 किलोमीटर है, गलत है। तो ये है सामने हमारे क्यागर सो का व्यू सामने जस्ट, और देखते हैं जो वो कह रहे थे कि हाँ 5 किलोमीटर है, तो शायद उनको पता नहीं है भाई शायद। फर्स्ट व्यू ऑफ क्यागर सो, तो ये आई है करीब 15 किलोमीटर बाद, जो एक पॉइंट टी पॉइंट था वहाँ से सुमदो से। बाकी क्यागर सो का भी यार लुक तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब व्यू अच्छा है, और देख सकते हो सामने बिल्कुल ही माउंटेन्स पे, ऐसा जैसे बरसात स्टार्ट होने वाली है। तो हम ऑलमोस्ट आ चुके हैं 20 किलोमीटर, तो 20-22 किलोमीटर और है यहाँ से। भाई ये क्या है, इतना लंबा पैच भी होता है क्या? ठंडा लग रही है बहुत भयंकर वाली। ये रोड कहां से आ रहा है भाई? तो 5 बज गए भाई और ठंड लग रही है, और आई थिंक हम लोग कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। मुझे लग रहा है सामने वाली तो नहीं है कहीं, वो सोमवरी लेक, देखते हैं। तो टाइम हो रहा है 5, हम लोग 4 मतलब 1 घंटा लगा, और 44 मतलब ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर है वहाँ से। तो आई थिंक यही कर जो के, पर सामने आर्मी का कैंप दिख रहा है तो मुझे, अच्छा ITBP का है। जुले जुले आप सभी का वेलकम है। जुले जुले जुले, जुले। तो यहाँ फोटोशूट चलता हुआ ने जो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो धुआं निकल रही है ना सामने, ये हॉट स्प्रिंग, और ये जस्ट सुमदो से 4-5 किलोमीटर आ गए हैं।